डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रिड्स मेशर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मल्टी स्टेज ग्राफ इन डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो मल्टी स्टेज ग्राफ से रिलेटेड गाइस जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे के सारे मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, इवन आपके इंटरव्यूज में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिए तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यार मल्टी स्टेज ग्राफ जो ये प्रॉब्लम है ना, पहले तो इसको समझ लो कि है क्या। हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है और ये ग्राफ क्या दिख रहा है आपको, डायरेक्टेड ग्राफ दिख रहा है, डायरेक्शंस है, और वेटेड ग्राफ भी है क्योंकि यहां पे आपको एजेस के ऊपर वेट्स भी दिख रहे हैं। तो ये डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ यहां पे आपको दिख रहा है। लेकिन ग्राफ तो हमने बहुत सारे पहले भी किए हुए हैं, लेकिन इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, दैट इज मल्टी स्टेज। मल्टी स्टेज का मतलब क्या है, ये जो वन है दिस इज योर सोर्स, दिस इज योर सोर्स, और ये जो सोर्स है ये आपका स्टेज नंबर वन पे है, मतलब ये एक स्टेज है इस तरीके से, ठीक है। फिर ये दूसरी स्टेज आ गई आपकी, और ये स्टेज में आपके पास 2, 3 and 4 तीन वर्टेक्स हैं। और इस स्टेज में मेन पॉइंट यहां पे ये है कि स्टेज के अंदर जो जैसे S2 स्टेज है, इस स्टेज के अंदर जितने भी वर्टेक्स हैं वो आपस में कनेक्ट नहीं होंगे। तो देखो यहां पे 2, 3, 4 आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो ये यहां पे ध्यान रखना। देन अगर हम बात करें, नेक्स्ट स्टेज आ गई हमारी S3, और इस S3 में भी सेम ऐसे ही है कि 5, 6, 7 वर्टेक्स है, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, बट ये मेरे को कहां पे लेके जा रहे हैं, 8 पे लेके जा रहे हैं, दैट इज अ लास्ट स्टेज, और जो 8 है दिस इज माय डेस्टिनेशन, ठीक है। तो 1 हमारा क्या है, सोर्स है, 8 हमारा डेस्टिनेशन है। स्टेज 1 और स्टेज 4 में एक एक वर्टेक्स, बीच में कितने भी हो सकते हैं लेकिन वो आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मल्टी स्टेज ग्राफ। ये स्पेशल प्रॉपर्टी जो है वो इस ग्राफ की आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरा पॉइंट यहां पे क्या है कि मेरे को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचना है विद मिनिमम कॉस्ट। ये मेरी प्रॉब्लम है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचना है विद मिनिमम कॉस्ट। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर हम ग्रीडी अप्रोच, क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं ग्रीडी अप्रोच की बात करें, तो हम वो भी लगा सकते हैं यहां पे। मैंने आपको हर एक डायनामिक प्रोग्रामिंग का जितने भी हमने किए हैं, चाहे 01 नैपसैक किया, चाहे ट्रैवलिंग सेल्समैन किया, हर एक में मैंने आपको ग्रीडी अप्रोच भी करके दिखाई है और फिर बताया कि क्यों ग्रीडी अप्रोच फेल हो रही है, तो इसके ऊपर भी लगा लो। तो सबसे पहले यहां पे क्या करना है, सोर्स से ग्रीडी ने बोला है कि मेरे पास तीन पाथ है, या तो 2 पे 3 पे या 4 पे, लेकिन उसने सबसे पहले मिनिमम वाले को उठा लेना है, क्योंकि ग्रीडी कहता है कि जैसे ही मेरे को सबसे मिनिमम मिला मैंने उसको सबसे पहले उठा लिया। तो इसने क्या करना है, 1 से 2 वाला पाथ उठा लेना, क्योंकि मिनिमम कॉस्ट है। तो ये डिस्टेंस मेरा कितना है, कॉस्ट इसकी कितनी है, 1। नेक्स्ट 2 से या तो ये वाला पाथ है या ये वाला, दोनों में से मिनिमम ये 4 कॉस्ट है और ये 8 है, तो दोनों में से कौन सी उठाएगा, मिनिमम दैट इज 5 वाली एज उठा लेगा, और मेरे पास कॉस्ट कितनी है यहां पे, 4, ठीक है। अब 5 के बाद मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, तो 5 से 8 ऑब्वियसली मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगा विद द कॉस्ट ऑफ 20। तो टोटल कॉस्ट मेरी यहां पे कितनी हुई, टोटल कॉस्ट मेरी ग्रीडी मेथड से कितनी बनेगी, 25, ठीक है। बट अगर हम डायनामिक प्रोग्रामिंग लगाएंगे तो यही मेजर डिफरेंस है, ग्रीडी ने क्या करना होता है, वो पहली बार में ही सबसे मिनिमम को उठा लेगा। मतलब उसका सिंपल सा मीनिंग है, जो मैंने पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन किया है, कि अगर मेरी बीटेक में, लेट्स से 4 इयर्स की बीटेक है, पहले साल में जिस बंदे ने टॉप किया, तो ग्रीडी बोलेगा कि वही टॉप करेगा बीटेक के लास्ट में भी, मतलब पूरे बीटेक में वही टॉपर रहेगा। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहले साल में, हो सकता है टॉप किया हो और बाद में पता लगे कि उसकी डिग्री बेचारे इतनी सप्लियां आई है कि डिग्री 6 साल में बड़ी मुश्किल से कंप्लीट हुई है, पॉसिबिलिटी है। तो डायनामिक कहता है कि मैं एक बार में सारी इस तरीके से नहीं उठाऊंगा, मैं सारी वैल्यूज को, मतलब 1 से 2 वाली, 3 वाली, 4 कॉस्ट, फिर 4 से मिनिमम कौन सी है, 3 से मिनिमम, 4 से मिनिमम, और फिर यहां से मिनिमम, उन सब में से ओवरऑल मिनिमम कॉस्ट क्या है, दैट विल गिव मी द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सो नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि डायनामिक प्रोग्रामिंग कैसे लगाते हैं और क्या आंसर मेरा आएगा। नाउ लेट सी द रिकर्सिव इक्वेशन फर्स्ट। रिकर्सिव इक्वेशन के लिए गाइस सबसे पहले इस फंक्शन को समझना बहुत जरूरी है। फंक्शन SIVJ, इसका मतलब क्या है, वी आर एट स्टेज SI और मैं एक पर्टिकुलर वर्टेक्स पे हूं उस स्टेज के अंदर, और मुझे मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करनी है उस वर्टेक्स से डेस्टिनेशन तक। जैसे अगर मैं एक सिंपल फॉर्म में यहाँ पे लिखूं, फंक्शन ऑफ
टू कॉमा लेट्स से थ्री। इसका मतलब क्या है, स्टेज टू वर्टेक्स थ्री से मिनिमम कॉस्ट कितनी है डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। इस लाइन को गाइज लिख लो तो ज्यादा बेटर है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। आप स्टेज टू पे हो, वर्टेक्स थ्री से डेस्टिनेशन तक पहुंचने की मिनिमम कॉस्ट क्या है, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस फंक्शन। जैसे देखो यहां पे स्टेज टू मतलब इस स्टेज पे वर्टेक्स थ्री, ये पहला क्या है स्टेज, दूसरा क्या है वर्टेक्स थ्री, मिनिमम कॉस्ट कितनी है डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस फंक्शन। तो जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं, मैं वैसे आपको एग्जांपल से भी करके दिखाऊंगा, पहले रिकर्सिव इक्वेशन लिख लो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे स्टेज आई वर्टेक्स जे, अब यहां पे मेरे पास मेरे को करना क्या है, जैसे ही मैं इस फंक्शन को यूज करूंगा तो मैं क्या करूंगा, यहां पे फंक्शन ऑफ 1, 1, जैसे यहां पे अगर हम 1, 1 ले लें, मतलब स्टेज 1 वर्टेक्स 1 पे है, तो होगा क्या, मेरे पास यहां से नेक्स्ट स्टेज पे चला जाऊंगा, मतलब स्टेज 2 पे चला गया और मेरे पास तीन वर्टेक्स हैं 2, 3 और 4, तो मैं तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिमम फाइंड आउट करूंगा। फिर यहां से मैं इस स्टेज पे चला गया और यहां से मेरे पास डेस्टिनेशन के पहुंचने की मिनिमम कॉस्ट कितनी है, दिस इज हाउ वी हैव टू राइट द रिकर्सिव। तो ये मेरे पास यहां पे आ गया फंक्शन ऑफ si+1, k, कैसे लिखा, si पे थे तो ऑब्वियसली मैं नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच गया, si+1 पे पहुंच गया, और जब मैं si+1 पे पहुंचा वहां पे मेरे को एक नया वर्टेक्स मिला k, यानी ये जो k है ये किस स्टेज से बिलोंग कर रहा है, ये नेक्स्ट स्टेज से बिलोंग कर रहा है, प्लस कॉस्ट लगेगी, कौन सी कॉस्ट लगेगी मेरे को यहां से यहां तक पहुंचने के लिए, मतलब मैं SI पे था, SI+1 पे पहुंचा तो मेरी कॉस्ट यहां पे लगेगी, वो कितनी लगेगी, मैं VJ से लेके K तक पहुंचा तो यानी VJ से लेके K तक पहुंचने की कॉस्ट, सिंपल 1, 1 पे मैं खड़ा हूं, अब मैंने पहुंचा क्या 1, 1 मतलब स्टेज 1 वर्टेक्स 1 से मैं या तो वर्टेक्स 2 पे जा सकता हूं, 3 पे जा सकता हूं या 4 पे, तो मैं तीनों पे जाऊंगा और तीनों में से जो भी मिनिमम होगी दैट वी विल इवेल्युएट। तो मैं स्टेज 2 वर्टेक्स 2 पे गया, स्टेज 2 वर्टेक्स 3 पे गया, स्टेज 2 वर्टेक्स 4 पे गया, और जब मैं यहां पे जाऊंगा तो ये जो ये डिस्टेंस है मतलब VJ से K वाला, VJ से K वाला, VJ से K वाला, ये भी आपको एड करना पड़ेगा तभी आप इस स्टेज पे पहुंचोगे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द रिकर्सिव इक्वेशन। और अगर हम बात करें यहां पे, देखो इसमें जो k है, द के दैट इज व्हाट, दैट इज बिलोंगिंग टू द si+1, वो किससे बिलोंग कर रहा है, si+1 नेक्स्ट स्टेज से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, और vj और k, ये जो vj और k है ये क्या एक तरह से एज है, ये वाली जो एज हमने यहां पे ली है, सो दिस इज अ मीनिंग ऑफ व्हाट, इसको भी आप लिख ही लो, vj टू k क्या है, दिस बिलोंग्स टू अ एज इन द ग्राफ। सो ये मेरे पास रिकर्सिव इक्वेशन इस तरीके से बनेगी। टर्मिनेशन कंडीशन की अगर हम बात करें तो टर्मिनेट हम कब करेंगे, टर्मिनेट हम तब करेंगे जब हम फाइनल स्टेज से एक कम स्टेज पे पहुंच जाएंगे, मतलब जब हम इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे, यानी आप कह सकते हो कि व्हेन वी रीच s final -1 स्टेज पे, मतलब जब मैं एक पर्टिकुलर स्टेज पे पहुंच गया लेट्स से si, और वो जो si स्टेज है वो कौन सी है, final -1, फाइनल स्टेज ये है, उससे एक कम स्टेज पे जब मैं पहुंच गया देन वी हैव टू स्टॉप, और स्टॉप करके हम करेंगे क्या, कॉस्ट ऐड करेंगे यहां से यहां तक की, क्योंकि ये तो फाइनल स्टेज ही है, तो फाइनल से एक कम स्टेज पे जब हम पहुंच गए सो वी हैव टू टर्मिनेट, हम इसको रोक देंगे और सिंपली हम इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक, मतलब लेट्स से अगर हम उस पॉइंट पे VJ वर्टेक्स पे हैं तो VJ वर्टेक्स से डेस्टिनेशन वर्टेक्स तक की जो कॉस्ट है वो हम सिंपली कंसिडर कर लेंगे। तो ये कब टर्मिनेट करेगा, जब मेरे पास स्टेज कौन सी पहुंच जाएगी, जब हम स्टेज पे कौन सी पे पहुंच जाएंगे, final -1 स्टेज पे जब हम पहुंचेंगे, तो ये टर्मिनेशन कंडीशन। अदरवाइज इस तरीके से जितनी भी इवैल्यूएट करते जाओ और मिनिमम कॉस्ट यू हैव टू फाइंड। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, इसी ग्राफ को सॉल्व करके देखते हैं यूजिंग दिस रिकर्सिव इक्वेशन। नेक्स्ट मैं रिकर्सिव इक्वेशन को सॉल्व करके बता रहा हूं इसी ग्राफ के ऊपर। जैसे हमारे पास फंक्शन 1, 1, इसका मतलब क्या है, स्टेज 1 वर्टेक्स 1 पे हम लोग खड़े हैं, तो स्टेज 1 वर्टेक्स 1 से हमारे पास कौन कौन सी चॉइसेस हैं, सबसे पहली हमारे पास चॉइसेस है ये वाली, तो फंक्शन 2 स्टेज मतलब स्टेज 2 वर्टेक्स 2 पे, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं,
स्टेज टू वर्टेक्स थ्री पे पहुंचेंगे या फिर हम लोग कहां पे पहुंचेंगे, स्टेज टू वर्टेक्स फोर पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास तीन ऑप्शन है। प्लस कॉस्ट भी ऐड करनी है। प्लस कॉस्ट का मतलब क्या है, वन से टू जाने की कॉस्ट कितनी है, वन ऐड कर दो। वन से थ्री जाने की कॉस्ट कितनी है, टू ऐड कर दो। एंड वन से फोर जाने की कॉस्ट सेवन, वो वाली ऐड कर दो। तो ये इस तरीके से इवेल्युएट करेंगे। देन आगे जी हम इस पे, मतलब स्टेज टू वर्टेक्स टू पे, तो स्टेज टू वर्टेक्स टू मतलब यहां पे खड़े हैं, तो यहां से यहां पे जा सकते हैं या फिर इधर जा सकते हैं। मतलब फंक्शन स्टेज थ्री पे पहुंचेंगे और वर्टेक्स कौन सा होगा, फाइव, या फिर हमारे पास बन गया फंक्शन स्टेज थ्री वर्टेक्स सिक्स, या तो यहां पे जाएंगे या यहां पे। प्लस ऐड कर दो, टू से फाइव जाने की कॉस्ट है फोर और यहां पे टू से सिक्स जाने की कॉस्ट है एट। देन हमारे पास आ गया ये वाला, मतलब स्टेज टू वर्टेक्स थ्री, स्टेज टू वर्टेक्स थ्री से या तो इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं या इधर। तो तीनों वैल्यूज लिख लो, मतलब या तो मैं फंक्शन स्टेज थ्री पे पहुंच जाऊंगा और वर्टेक्स फाइव पे, स्टेज थ्री वर्टेक्स फाइव पे, या फिर मेरे पास क्या बन गया, स्टेज थ्री वर्टेक्स सिक्स पे, या फिर मेरे पास क्या बन गया, स्टेज थ्री वर्टेक्स सेवन पे, क्योंकि थ्री से तीन एजेस जा रही हैं, तो तीनों को इवेल्यूएट। प्लस ये जो कॉस्ट है वो लिखना मत भूल जाना, थ्री से फाइव की कॉस्ट कितनी है नाइन, ये लिख दो। थ्री से सिक्स की कॉस्ट कितनी है फाइव, ये लिख दो। और थ्री से सेवन की कॉस्ट कितनी है 17, ये लिख दो। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको इवेल्यूएट करनी है। यही चीज जो मैंने रिकर्सिव इक्वेशन कराई है वही मैं यहां पे लिख रहा हूं। देन हमारे पास आ गया जी लास्ट, मतलब हम स्टेज टू वर्टेक्स फोर पे, स्टेज टू वर्टेक्स फोर पे खड़े हैं, तो यहां से मेरे पास एक ही ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन है उसको आप इवेल्युएट करो। तो फंक्शन थ्री मतलब स्टेज थ्री पे पहुंचेंगे और वर्टेक्स किस पे पहुंचेंगे, सेवन पे पहुंच जाएंगे। प्लस कॉस्ट कितनी है, फोर से सेवन जाने की कॉस्ट है टू, वो हम लोग यहां पे ऐड कर देंगे। तो ये फोर से सेवन जाने की कॉस्ट कितनी है टू, वो हमने यहां पे ऐड कर दी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये इवेल्युएट करना है। देन हमारे पास आ गया जी, अब देखो यहां पे हम स्टेज थ्री वर्टेक्स फाइव पे पहुंच गए। स्टेज थ्री कौन सी है, ये वाली वर्टेक्स फाइव पे। तो मैंने आपको क्या बताया, जब हम फाइनल से एक कम स्टेज पे पहुंच गए, मतलब अब हमें टर्मिनेट करना है। तो फाइनल से एक कम पे पहुंच गए, ये फाइनल थी, एक कम स्टेज पे पहुंच गए, अब मुझे टर्मिनेट करना है। तो टर्मिनेशन में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कॉस्ट ऑफ वर्टेक्स टू डेस्टिनेशन लिख देंगे। तो कॉस्ट ऑफ वर्टेक्स टू डेस्टिनेशन कितनी है, 20। तो यानी ये इवेल्युएट जब हम करेंगे तो क्या बनेगा इसका आंसर, 20। जब हम ये इवेल्युएट करेंगे 3 से, ये वाला जो 6 है स्टेज 3 वर्टेक्स 6 से, डेस्टिनेशन की कॉस्ट कितनी है 15, वो हम यहां पे लिख देंगे। ये हमारे पास वही आ गया 20, ये हमारे पास क्या आ गया 15, ये वाला। और देन हमारे पास इस पे 7 से डेस्टिनेशन में जाने की कॉस्ट कितनी है 2, और लास्ट में भी 7 से डेस्टिनेशन पे कॉस्ट जाने की कितनी है आपकी, कॉस्ट कितनी है डेस्टिनेशन पे, 2। ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरीके से आपको लिख लेनी है। अब देखो ये मेरे पास कितना आ गया, 20 प्लस 4, ये भी ऐड करना है, ये तो इसकी कॉस्ट आई थी ना, 20 प्लस 4 कितना बन गया 24, यहां पे 15 प्लस 8 ये बन गया जी 23। ठीक है, देन यहां पे अगर हम बात करें ये 29 बन गया, और यहां पे अगर हम बात करें ये 20 बन गया, और यहां पे 17 प्लस 2 क्या बन गया 19, और यहां पे 2 प्लस 2 कितना बन गया 4। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मिनिमम, मिनिमम का मतलब है इन दोनों में से जो मिनिमम है वो ऊपर जाएगा। इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, 23, तो यानी ऊपर कौन सा गया 23, तो ये हम कौन सा चूज करेंगे, 23 प्लस 1 मतलब ये वाली जो कॉस्ट है कितनी आ गई 24। यहां पे देखो तीनों में से मिनिमम कौन सी, तीनों में से मिनिमम 19, तो 19 प्लस 2 आपकी क्या आ गई 21, ये वाली कॉस्ट कितनी होगी यहां पे 21। और यहां पे देखो ये मेरा था 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 7, 4 प्लस 7 कितना है 11, तो ये तीनों में से अब फिर फाइनल हम मिनिमम चूज करेंगे, तो 24, 21 और 11 में से मिनिमम कौन सी है 11, सो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड द आंसर। तो मिनिमम आंसर कितना आएगा 11, मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन पे अगर मुझे जाना है तो मिनिमम मेरा कॉस्ट कितना आएगा 11, और पाथ आपका ये वाला बन गया, पाथ आपका ये वाला बन गया। कौन सा पाथ बन गया, स्टेज 1 वर्टेक्स 1 से हम लोग गए थे स्टेज 2 वर्टेक्स 4 पे, मतलब ये वाला स्टेज 2 वर्टेक्स 4 पे गए थे, फिर स्टेज 2 वर्टेक्स 4 से हम स्टेज 3 वर्टेक्स 7 पे गए, स्टेज 3 वर्टेक्स 7 पे गए, फिर स्टेज 3 वर्टेक्स 7 से लास्ट डेस्टिनेशन पे गए। तो लो जी, इस तरीके से आपका मिनिमम कॉस्ट बना, कितना आया आंसर
11 और ग्रीडी से कितना आया था 25, तो दिख रहा आपको डिफरेंस। तो इसीलिए डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है वो इस तरीके से हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। तो पूरी कहानी गाइज कहीं पे भी आपको पूछ ले, आप कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ ले, आप इजीली आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग इवैल्यूएट करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ लेट्स सी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो गाइस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको यहां पे दिख रहा होगा कि अगर ब्रूट फोर्स मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं, ब्रूट फोर्स मेथड का मतलब क्या है, ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी, मतलब इस फंक्शन को भी इवैल्यूएट करें, हर एक फंक्शन को अगर हम इवैल्यूएट करते हैं तो एक्सपोनेंशियल टाइम यहां पे आपका लगेगा। रीजन उसका क्या है कि वन से हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, मल्टीपल स्टेजेस हैं, तो उसकी वजह से मेरे पास यहां पे एक्सपोनेंशियल टाइम में ये काम करेगा। लेकिन डायनामिक प्रोग्रामिंग यहां पे आपको एज ए सेवियर काम कर रही है। क्यों? क्योंकि यहां पे कुछ सब प्रॉब्लम्स आपको दिख रही हैं, रिपीट हो रही हैं। तो जो प्रॉब्लम्स जो है वो रिपीट हो रही हैं उनको बार बार इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है, उनको सिंपली आप क्या कर सकते हो, एक बार इवैल्यूएट करो, बाद में उसको टेबल में स्टोर करके डायरेक्टली यूज कर लो। तो ये देखो जो सब प्रॉब्लम्स रिपीट हो रही है उनको हम एक बार इवैल्यूएट करेंगे, डायरेक्टली यूज करेंगे, तो फिर उसके हिसाब से आप कह सकते हो कि ठीक है स्पेस आपका यूज होगा, स्पेस आपको एक्स्ट्रा यूज करना पड़ेगा, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी रिड्यूस हो जाएगी। और वो रिड्यूस कैसे होगी, अब आप इस केस में कह सकते हो कि आप हरेक वर्टेक्स को और हरेक एज को एग्जैक्टली वंस क्या कर रहे हो, ट्रवर्स कर रहे हो। जैसे यहां पे आपको दिख रहा होगा 3-5 को आपने एक बार, मतलब वर्टेक्स 3, ये स्टेज 3 वर्टेक्स 5 पे आप हो, स्टेज 3 वर्टेक्स 5 से आप 8 पे गए, मतलब आपने इवैल्यूएट करके डिस्टेंस फाइंड आउट किया 20। तो जब दोबारा आपने ये 20 किया तो आपको डायरेक्टली टेबल से उठा लेना, इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है। तो जो जो वैल्यूज आपकी रिपीट हो रही है, सब प्रॉब्लम्स ओवरलैप हो रही है, आपको बार बार इवैल्यूएट नहीं करना। तो यानी आप हरेक वर्टेक्स को और हरेक एज को, हरेक वर्टेक्स को और हरेक एज को आप एक बार ही ट्रैवर्स कर रहे हो, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिड्यूस होके ऑर्डर ऑफ v+e आप बोल सकते हो। और इसको भी अगर फर्दर रिफाइन करना है तो आप कह सकते हो दोनों में से जो मेजर वैल्यू है, मतलब या तो वर्टेक्स ज्यादा होंगे या एजेस, लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें एजेस ही आपकी ज्यादा होती हैं। जैसे इस ग्राफ में भी आपको दिख रहा होगा वर्टेक्स 8 है और एजेस जो है वो आई थिंक 12-13 एजेस है, तो कहीं ना कहीं आपके पास और रिफाइन वे से आप ऑर्डर ऑफ E लिख सकते हो, which is very less as compared to the brute force method, क्योंकि उसमें आपका exponential time बनेगा। तो ये dynamic programming जो है वो आपकी reduce करके time complexity order of E कर देगी। So this is whole आप कह सकते हो पूरा का पूरा topic, मतलब multi-stage graph में इसके बाहर कुछ भी नहीं है, this is more than sufficient। Thank you।